नमस्कार, मैं विनाश और आप देख रहे हैं आंखों देखी। गया जिले के गुरारू गुरुआ स्टेट हाईवे 69 पर सीएसपी संचालक से रुपयों से भरे बैग एवं लैपटॉप की लूट। एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन अपराधियों ने पिस्तौल दिखाकर दिया घटना को अंजाम। पुलिस एवं ग्रामीणों ने पीछा कर रुपयों से भरे बैग लैपटॉप पिस्तौल के साथ दो अपराधियों को धर दबोचा। मोटरसाइकिल भी हुई जब्त। एक अपराधी की सघन तलाश अभी भी जारी है। चक के थोड़ा सा पीछे थोड़ा टाउन नहीं पड़ता, वहाँ पर घर नहीं रहता है। वहाँ पर तीन पल्सर से तीन आदमी था और तीनों आदमी जब हम आगे चल रहे हैं पीछे पीछे था और चक के नज़दीक जब पहुँच गए थोड़ा सा पीछे तो ओवरटेक किया। ओवरटेक करके और हमको गाड़ी रुकवाया, उनकी हमारे गाड़ी का आगे गाड़ी लपना लगा दिया तो हम रुक गए और हमारे साथ मारपीट किया, लपड़ थपड़ किया। पहले तो भाई लपड़ थपड़ क्यों करा, पिस्तौल निकाल के हमने कंपटी से हटा दिया। अब बोला कि और बैगवा लेवे लगा, हम एक हाथ बैगवा अपने रोके कि बैग कहाँ ले जाना, बैग हम नहीं ले जाएंगे। तो बोले दोनों तो गोली मार देंगे। जब पिस्तौल से हटे तो वो आदमी बोला, जब हम पिस्तौल देखे तब डर के मारे हम दीजिए कहानी गोली उली मार देगा तो फिर प्राण चल जाएगा मंगनी के। फिर तो बैग छीन लिया हमसे और दो चार लपड़ और जाते जाते मारा और मार के फिर पिस्तौल लह रहे थे, भाग गया मथुरापुर देने। मेरा मोबाइल जब हम फ़ोन किए मथुरापुर के अगल बगल दुकानदार को तो वहाँ पर पकड़िएगा, तो मथुरापुर ना होकर मथुरापुर के पीछे से वो मिदाजपुर गांव है उधरही में रोड है, तो मिदाजपुर से देवकुली होते हुए डीहा होते हुए भाग्य ने पहाड़ पहाड़ के तरफ से होते हुए भाग्य ने गया तरफ भागने जा रहा था। इसी क्रम में उधर कोई मटुआ गाँव है जैसे कि पता चला मटुआ में था तो पकड़ाया है। अभी तो हम एक आदमी यहाँ पर आया था जो पिस्तौल से टले था वही आदमी था, गुराव थाना में पकड़ाया हमको, देखे हम पहचान ले कि यह आदमी था। अच्छा। पिस्तौल से एक आदमी और पकड़ाया जो परैया थाना में है। अच्छा। अभी हमको परैया थाना अभी जब बुलाहट है वहाँ भी जा रहे हैं। अच्छा, कितना बजे हुआ ये? 10:30 बजे हुआ। 10:30 बजे बैग में क्या चीज़ था? बैग में था लैपटॉप था, स्कैनर था, वाईफाई था और जरूरी कागज़ था और 65,000 रुपये कैश था। 65,000 रुपये कैश था। अभय कुमार सिन्हा मथुरापुर अवस्थित अपने ग्राहक सेवा केंद्र पर घर से निकले थे तो जैसे ही वह चक पर पहुंचे तीन अपराधकर्मी पल्सर मोटरसाइकिल से इनको घेर लिए और इनका लैपटॉप बैग और 65,000 रुपया लेकर भाग गए। पुलिस को सूचना मिली तो थानाध्यक्ष गुरारू, थानाध्यक्ष गुरुआ और थानाध्यक्ष परैया अपने अपने सहयोगी पुलिस पदाधिकारी के साथ पीछा किए और काफी दूर तक पीछा करने के बाद घेराबंदी किए। करीब 4-5 किलोमीटर दौड़ने के बाद कुछ ग्रामीणों की सहायता से दो अपराधकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया जो फायरिंग करते हुए भाग रहे थे। जो पकड़े हुए अपराधकर्मी थे उनसे दो कर्मी पकड़े गए, जिसमें उन लोगों के पास से एक देसी कट्टा डबल बैरल का जो दोनों में लोड था और तीन गोली उनके पैकेट से बरामद हुआ, लैपटॉप बरामद हुआ, बैग बरामद हुआ और एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई। एक अपराधकर्मी भागने में सफल हो गया जिसके लिए छापामारी अभी भी चल रही है, उसको भी हम लोग प्रयास में है गिरफ्तार कर लेंगे और इसमें और सामानों की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है।